नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे साथ हैं चीर परिचित सचिन श्रीवास्तव सर। दर्शकों की बहुत डिमांड थी कि सर को पुनः मैं अपने चैनल पे लाऊं और उनसे बातचीत करूं, ज्योतिषीय पहलुओं पर प्रकाश डालूं। तो आज आपके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दीना जी, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू। माय प्लेजर सर। लग्नेश को लेकर हमारी कुंडली में इतने सारे सवाल होते हैं कि आज सब पे, जैसे आप जितना भी समय दे पाए तो एक एक करके मैं पर्दा हटाना चाहूंगी जी। तो सर, बिना समय व्यर्थ गवाए मैं सीधे अपने सवालों की श्रृंखला पर आती हूँ कि लग्नेश की डिग्रियों का क्या महत्व होता है? अगर 0 से 3 डिग्री हैं तो क्या ये बच्चे हैं, और 15 से 18 में हैं तो ये यूथफुल हैं, इनमें बहुत शक्ति है, और लेट डिग्रियों में हैं 27, 28, 29 में, तो क्या ये फिर से वही वही सवाल? थोड़ा डिग्रियों पे और प्रकाश डाल दीजिए सर। अर्ली डिग्री, मिडिल डिग्री और लेट डिग्रीज का क्या महत्व है लग्नेश का? ओके, मैं यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे शेयर कर रहा हूं। मैं डिग्रियों को बल से नहीं, एक्सपीरियंस के एंगल से देखता हूं। लग्नेश अगर कम डिग्री के हैं तो ऐसा व्यक्ति खुद ही सब चीज करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, प्लस और माइनस, सक्सेस और फेलियर्स जो है वो खुद जाकर के अटेम्प्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर जो है अब बाल्य अवस्था जैसा है, क्यूरियस है, हर चीज खुद करेंगे। बच्चों को देखा है ना, हर चीज करेंगे, कभी प्लग में हाथ डालेंगे, कभी इसको देखेंगे, कभी उसको दबाएंगे, कभी उसको मुंह में डालेंगे। वैसा नेचर जो है आपका प्लैनेट का मिलता है। यूथ होता है तो उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो जो भी काम करेगा वो फुल फोर्स और फुल एनर्जी के साथ करता, पैशन, वो जज्बा रहेगा कुछ करने का, जज्बा जो है उसके अंदर रहेगा। अब वो बचपना वाला नहीं है कि टेस्टिंग कर रहा है, सोच के, समझ करके, डायरेक्शन ले करके, पैशन के साथ उस चीज के ऊपर वो काम करेगा। ठीक है, वही मृत अवस्था वाला या फिर जो बुढ़ापे वाला एरिया है, वहां पे अगर हम बात करेंगे तो कहेगा इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना, वो बैठेगा, सोचेगा ये करना है या नहीं करना है, एक्सपीरियंस को पिछले जन्मों का लेकर के आएगा और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो गाइडेंस देगा कि ये करो और ये मत करो, या मुझे ये करना है या नहीं करना है। ये डिफरेंस आपको देखने को, ये डिफरेंस आपको देखने को एक्सपीरियंस में जरूर मिलेगा अगर लग्नेश की डिग्री इनिशियल है, मिडिल है या लास्ट की डिग्री। ये मेरा अनुभव है। वाह सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। मोर ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट ही होल्ड्स रादर देन कि वो स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग या वीक ऐसे मत देखिए। ओके, बहुत अच्छे से आपने बताया, डिग्रियों पर प्रकाश डाला। ये जनरल किसी भी प्लैनेट पर आप इसको एक्सट्रापोलेट करके देख सकते हैं, किसी भी प्लैनेट पे। जो भी प्लैनेट अगर अपने मिड डिग्रीज में है उनका एक्शन मिलता है, जबकि जो लेट होते हैं वहां पे बहुत मैच्योरिटी से उनका एक्शन देखने को मिलता है। वीनस अगर लेट डिग्रीज के हैं तो आपका जो मैरिज है, लव है या जो वेल्थ है, वो सब लेट डिग्रीज, बहुत मैच्योरिटी के बाद, एक्सपीरियंस के बाद बहुत मैच्योरिटी आप हैंडल करेंगे। ये सारी चीजें आज जो है आपको देखने को मिलेंगी। ओके सर, एक सवाल था कि क्या लग्नेश की महादशा में मृत्यु हो सकती है? लग्नेश तो जब सुपर हीरो हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो वो तो जातक या जातिका को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो पर क्या आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है? देखिए, दो चार ऐसे केसेस थे जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे, जहां पे लग्नेश की ही अंतरदशा आई या महादशा चल रही थी, तब उस समय मृत्यु हुई है लोगों की। तो ये कहना कि लगन का दशा है तो मृत्यु नहीं होगी, ये कहना पूर्णतः गलत है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि काम करते हैं। ठीक है, हो सकता है लग्नेश है लेकिन वो एफ्लिक्टेड इतना है
हैं या फिर वो प्रॉब्लमेटिक है या कुछ ऐसी कंडीशन बन गई जहां पे वो अपने पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पे हाँ ये संभव है। लग्नेश स्पेशली अगर मारक ग्रहों के साथ हैं, 12th के साथ, 7th के साथ, 2nd के साथ, ठीक है, और आयु खंड समाप्त हो रही है, लेकिन इनके साथ अगर हैं तो लघु पराश्री में बोला गया कि हाँ ये मारक का रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आयु खंड के ऊपर, आयु खंड के ऊपर जी, वो बेसिक चीज है जी। बेसिक चीज है। और एसोसिएशन होना चाहिए किसी ना किसी मारक ग्रह के साथ या किसी किसी सेपरेटिव लॉर्ड के साथ। ओके। और सर अगर मेरे लग्नेश, मान जाइए किसी के लग्नेश 6, 8, 12 में हो, तो हम लोग अमूमन कहते हैं कि लग्नेश को मजबूत करो, तो ये 100 बीमारियों की एक दवा है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि आप रत्नों को धारण कीजिए, भले आपके लग्नेश 6, 8, 12 भाव में ही क्यों ना हो? देखिए ये दोधारी तलवार है। सिर्फ D1 चार्ट देख करके आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको जेमस्टोन धारण करना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 में है, क्योंकि जहां पे गए हैं वहां पे भी ये एक्ट करेंगे, उस घर को भी फिर वो बलि कर देंगे। इसके साथ साथ जो है D10 चार्ट, D9 चार्ट, ठीक है, इनका देखना भी जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल कर्म जो है उस जगह पे लग्नेश आपके अच्छे प्रेजेंट बैठे हों। D9 चार्ट में आपकी ओवरऑल जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, बाकी चीजें, वहां पे वो सही चीज प्लेसमेंट में बैठे हों, सही जगह पे बैठे हों, तब जा करके एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जो है आप इसको ले सकते हैं कि हाँ आप जेम स्टोन पहनी है यहाँ पे या नहीं पहनी। तो जब तक आप किसी डिटेल्ड एनालिसिस पे ना पहुंचे, तब तक हाँ इसको ओवरऑल जो है इसको आप रिकमेंड नहीं कर सकते या नहीं ट्राई बिल्कुल। करना मैं चाहिए। यहाँ दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आप किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर से मिलके ही ये डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि हाँ ये सेफ होता है और लग्नेश तो जहां भी जाए उस भाव को बलि करते हैं। इन सब दलीलों को देखते हुए आप बिल्कुल धारण मत कीजिए, बहुत पासा उल्टा भी पड़ सकता है। और योग्य एस्ट्रोलॉजर से सलाह करके, पूरी कुंडली का विवेचन करके ही आप रत्नों को धारण कीजिए। सर एक जो चलते चलते अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हमें जीवन में यश, मान, कीर्ति ये सब मिले, तो ये हम किन परिस्थितियों में लग्नेश हो तो फोरकास्ट कर सकते हैं कि जीवन भर हमारा मान सम्मान मिलता रहे, राजयोगों की श्रृंखला बनी रहे, तो ये यहाँ पे किन परिस्थितियों में हम ऐसा फोरकास्ट कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले मान सम्मान के लिए जी हम लोग लग्नेश, क्योंकि उसको भोगना है, हाँ उसका बलि होना सबसे पहले जरूरी है। अगर वो बलि है, स्ट्रांग है, प्लैनेट की कर्त्री संगति में में है, हाँ हाँ बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, कंजंक्ट है, जी एक्सचेंज है, युति है, कर्त्री है ना, देयर इज एन जी नंबर ऑफ मेथड बाय विच वी कैन से दैट कि हाँ लग्नेश एक राइट स्ट्रांग है। जी साथ में D10 चार्ट में भी लग्नेश का बलि होना जरूरी है। दूसरा जो है D9 में जो चार्ट है वहां पे भी लग्नेश का बलि होना जरूरी है। पहला तो ये तीन आप मान के चलिए मोटे मोटे चार्ट्स में स्ट्रांग ठीक होना है चाहिए। जी दूसरा जो है आपके सही समय, ठीक है, लाइफ के सही पड़ाव पे वो राजयोग जो हाँ है जो आपको यश, मान, कीर्ति, समृद्धि देने वाले हैं, उनका समय चल जाए ठीक और है वो प्लैनेट भी बलि हो, तीनों ही चार्ट में एफ्लिक्टेड ना हो। दूसरा जो है, तीसरा, कि आपका लग्नेश 10th हाउस में हो और 10th का लॉर्ड जो है वो लग्न में आ जाए, एक्सचेंज हो जाए। ठीक है लग्नेश या 10th लॉर्ड आपस में कनेक्ट हो जाए और ये कनेक्शन D9 और D10 चार्ट में सुदूर बनता रहे, भंग ना हो वहां पे। अच्छा और अगर इस तरह की दशाएं चल गई तब हाँ आप मान के चलिए आपकी मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। ये हो गया लग्नेश के एंगल से। ओके दूसरा एंगल है कि यश,
कीर्ति के लिए आपके जो कारक हैं वो हैं सूर्य। ठीक है। इन सबके साथ अगर सूर्य स्ट्रांग है, अनएफ्लिक्टेड है, तब आप मान के चलिए कि हाँ ये होगा। सूर्य का एफ्लिक्शन भी नहीं चाहिए, सूर्य का भी अच्छा होना जरूरी है। भले तीसरा हमारी कुंडली में सूर्य किसी भी फंक्शनल मैलिफिक ही क्यों ना हो। उससे कोई मतलब नहीं है। ओके। यहाँ पे सूर्य जो है उस चार्ट के लिए मैलिफिक है, बेनिफिक है, मेरे को ये देखते समय मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरे को तो ये देखना है कि सूर्य उस चार्ट में बली है कि नहीं। अगर वो बली है, साथ में सही दशा है, साथ में लग्नेश मजबूत है, तो मेरे को यश कीर्ति मिलेगा। क्योंकि मेरे तीनों अंग जो यश वाह कीर्ति सम्मान को बढ़ाते हैं वो तीनों ही स्ट्रांग हैं। वाह, कहां कहां पे? D1 में, D9 में, D10 में, डिटेल एटलीस्ट इन तीन, एटलीस्ट इन तीन चार्ट्स में स्ट्रांग होना जी। चाहिए। तो ये जब सिचुएशन रहेगी तो हम मान के चलिए कि उस व्यक्ति को यश कीर्ति जो है उसकी बरकरार रहेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में जो है, हाँ, 10th लॉर्ड, उसका बलि होना भी जरूरी है, क्योंकि स्टेटस मेंटेन करने के लिए 10th लॉर्ड का रोल है। वाह तो यहाँ चार एलिमेंट्स हो गए जिसके लिए जो काम करेंगे, एक आपके लग्नेश, एक आपके सही राज्यों की दशा, तीसरा आपके सूर्य, चौथा हाँ, आपके 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड। ये चार। तो अब ये सबको नहीं प्राप्त होता है, उन्हीं चुनिंदा लोगों को बहुत ये सारे चारों परम्यूटेशन चीजें। कॉम्बिनेशन सर आपने बता दिया जी, तो तो जी जब भी कोई क्वेरी आती है तो हाँ सारे अंगों को हम लोग को चेक करना पड़ता है। थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है जब इस पॉइंट को हम लोग चेक करते हैं कि किसके उतार चढ़ाव है, नहीं है, कब है। लेकिन ये चार अगर स्ट्रांग है तो मान के चलिए कि हाँ, उसमें यश कीर्ति सम्मान बरकरार रहेगा। यहीं पे मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि सर ने हाल ही में एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, रोल ऑफ द प्लैनेट्स। जो अभी मैंने सवाल पूछा कि क्या सर वो फंक्शनल मैलिफिक भी रहेगा तो भी वैसी स्थिति बनेगी। तो इस तरह का जो कौतूहल मन में होता है, वो किसी भी प्लैनेट का किस तरह का वो फल देगा, किस तरह का वो रोल प्ले करेगा, इसको जानने के इस वीडियो लिए से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं थंबनेल को भी अभी स्क्रीन में दिखा रही हूँ। तो यहाँ से आपको बहुत संक्षिप्त वीडियो है, पर बहुत भारी भरकम जानकारी से भरा हुआ है। चलती हूँ, आज के वीडियो में बस इतना ही। सर, आपने इतना समय दिया और इतने सारे हमारे सवालों का जवाब दिया आपने। दर्शकों को इससे बहुत ही लाभ होगा। आप हमारे चैनल पे पुनः पधारे इसी कामना के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच हिना जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रोग्राम को सुनते हैं, सराहते हैं। हम लोग को आपके कमेंट्स और लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक लॉजिकल साइंस है, रटने की विद्या नहीं है। लॉजिक को आप पकड़ेंगे तो सब कुछ आपको इसमें गुण रहे सब आपके सामने आ जाएंगे। और हिना जी का चैनल जो है वो अपने आप में बहुत ही समृद्ध, वास्ट और इतने तरह के नॉलेज को लेकर के आता है। तो मैं सबको विनती करता हूँ कि थैंक प्लीज यू सर। आप हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी के साथ आप जुड़े रहें, और बहुत सारी नई नई जानकारियां, रोचक जानकारियां, आपके प्रश्नों के अगर कोई उत्तर चाहते हैं तो हम लोग जरूर यहाँ पे देते रहेंगे, और आप लोग को आशीर्वाद आपको हमसे लाभान्वित प्राप्त करता करते हूँ रहेंगे। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय थैंक यू हिंद, सर। जय भारत।